हाय सर, मैम सबसे पहले तो आपकी अपकमिंग मूवी की बात करेंगे, पृथ्वीराज, जो आपका सीन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? सो पृथ्वीराज चौहान में मैं मानुषी के सिस्टर का रोल प्ले कर रही हूँ. उसका नाम है, कैरेक्टर का नाम है रागिनी. और रागिनी जो रहती है वो अपनी बहन संयोगिता के सपोर्ट में रहती है, लाइक शुरू से लेके आखिरी तक उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के इस फिल्म में है. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कैरेक्टर, एंड आई होप आप सभी को भी अच्छा लगे. जब फर्स्ट टाइम आपके सामने प्रोजेक्ट आया तो आपने क्या सोच के साइन किया एंड क्या कुछ चल रहा था, क्योंकि इतने बड़े कास्ट के साथ काम करना? एक्चुअली जब ये प्रोजेक्ट आया था तो मैं थोड़ी स्केप्टिकल थी कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू हीरोइन ओरिएंटेड रोल्स. बट जब मैं डॉक्टर साहब से मिली, उनकी टीम से मिली, उन्होंने मुझे रोल एक्सप्लेन किया और मुझे मैंने देखा कि ये फिल्म बहुत ही बड़ी फिल्म है एंड इट्स अ यशराज फिल्म विथ सच अ ह्यूज स्टार कास्ट. तो मैंने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिस नहीं करनी चाहिए, इसलिए आई ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड आई लव डूइंग इट. अगर बात कीजिए आपके एक्सपीरियंस की, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इस मूवी में काम करके, क्योंकि एक बड़े लीड के साथ काम करना, बड़े एक्ट्रेस के साथ काम करना, अगर कुछ स्टोरीज बताना चाहे तो एक्सपीरियंस बताना चाहे? इस फिल्म का पूरा शूट काम जैसा नहीं लगा. इट वॉज़ एवरी डे वॉज़ अ फन डे ऑन सेट, क्योंकि अक्षत आपको पता ही है कितने बेटी हैं, कितने फ़नी हैं, वो हमेशा सेट पे मस्ती मजाक करते रहते थे, सबसे बात करते थे. सो ही इज़ एन अमेजिंग पर्सनैलिटी. एंड सोनू सर के साथ बैठ के भी मेरी थोड़ी बहुत जो भी बातचीत होती थी, इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आशुतोष सर, साक्षी मैम, एंड दे वर ऑल अमेजिंग पीपल, मानुषी. तो इन सब के साथ काम करते वक्त ऐसा लगता था जैसे हम काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ईजी वे में सारे सीन शूट हो जाते थे, सारा शूट ख़त्म हो जाता था. एंड सिंस अक्षय सर की आदत है सुबह जल्दी उठना, तो हम लोग शूट जल्दी शुरू करते थे और शाम के 5-6 बजे तक हमारा पैकअप भी हो जाता था. तो इट वॉज़ वेरी ईजी गोइंग. ओके, बात की जाए तो अक्षय सर की, तो खैर फिटनेस पर उनका हमेशा फोकस रहता है, तो कुछ टिप्स वगैरह लिया है आपने? उनके टिप्स मैं लेती भी तो मैं फॉलो नहीं कर पाती, क्योंकि मैं इतनी सुबह उठ नहीं सकती, मेरा उठने का टाइम थोड़ा लेट है. बट देन हाँ, ऑब्वियसली एट दिस एज ही इज़ वेरी फिट एंड ही लुक सो यंग, सो डेफिनेटली I should have actually asked him the fitness tips, but I didn't. Okay, अक्षय सर की बात की जाए तो उनके साथ काम करके एक्सपीरियंस आपने कहा कि बहुत अच्छा रहा, लेकिन अगर उनसे कुछ सीखने को मिला उनके साथ, अगर शूटिंग के टाइम कोई मस्ती, कुछ मोमेंट्स अगर शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स को आपको? मस्ती वाले मोमेंट्स बहुत सारे हैं, मुझे एग्जैक्टली एक याद नहीं है, बट सीखने को यही मिला, दैट इज़ अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन जो उन्होंने इस फिल्म में दिया है, उनका फोकस, एवरीथिंग. ही वाज एन अमेजिंग एंड टेरिफिक एक्टर, सो या दैट आई वुड हैव लर्न्ड फ्रॉम हिम. फर्स्ट टाइम आप सेट पे गए, सर से मिले तो कैसा लगा? काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे या एक्साइटमेंट, क्या कुछ था मन में, क्या कुछ? इट वॉज अ मिक्सड इमोशन, नर्वसनेस भी, एक्साइटमेंट भी, ओवरवेलमिंग फीलिंग भी, कि ऑब्वियसली अक्षय कुमार को मैंने बचपन से देख के, उनकी फिल्म्स देखते हुए बड़ी, एंड ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स. सो या जब साथ में उनके काम करने का मौका मिला तो आई फेल्ट रियली ब्लेस्ड एंड इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग. आपको बहुत सारे टीवी शोज में भी देखे हैं, अभी आपके आपको मूवीज भी आ रही है, हाँ कल ही आ जाएगी. हाँ हाँ, एंड अगर आपके पाइपलाइन में कुछ स्टोरीज की बात की जाए तो आपको क्या क्या चीज़ में हम देख सकते? सो फिलहाल मेरे 3 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हैं, एक मैत्री मूवी मेकर्स का कल्याण राम के साथ मैंने तेलुगु फिल्म की है, तो उसमें मेरा एक बहुत ही प्यारा रोल है. एंड मैत्री मूवी मेकर्स वहाँ का यशराज है, लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस, तो वो फिल्म आने वाली है. दूसरी है सासना सभा, जिसमें मैं द मेन लीड हीरोइन का रोल कर रही हूँ, और उसकी टीम बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि जो KGF की म्यूज़िक BGM की टीम है, सॉन्ग्स की टीम है, वही टीम हमारी म्यूज़िक की भी है. सो ऑब्वियसली इट्स गोना बी वेरी ग्रैंड एंड बिग बजट फिल्म, सो उसका भी इंतज़ार है. और अभी मैंने सेकेंड अपनी बॉलीवुड फिल्म कम्प्लीट की है, जो कि एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, सो आई एम द हीरोइन ऑफ द फिल्म, जो एक नंदिनी है, उसकी स्टोरी, उसकी लाइफ स्टोरी के ऊपर है. सो आई एम प्लेइंग नंदिनी इन दैट. सो कल ही मेरा उसका शूट खत्म हुआ है, तो वो भी बहुत जल्द अभी आने वाली है. टीवी शोज में भी हमने आपको देखा है, तो क्या वापस से टीवी शोज में होगा, क्योंकि एक बार बॉलीवुड में कहते कदम रख दो तो टीवी में वापस आना, क्योंकि लोग बहुत नापसंद करते हैं या फिर कहते कि वापस आना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट होता है काम करने का, तो क्या हम आपको देखेंगे टीवी शोज में वापस? हाँ, अगर मुझे कभी कोई डेफिनेटली एक अच्छा ऑफर मिला जहाँ पे मुझे लगे कि किसी शो की स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है और मुझे करने में उसे बहुत मज़ा आएगा एंड मनी इज़ गुड, देन मैं डेफिनेटली TV भी करना चाहूँगी, बिकॉज वहीं से शुरू किया है, सो आई विल ऑलवेज लव इट. अगर बात की जाए अल्ट वगैरह, तो हम आपको देख सकते जैसे कोई वेब सीरीज हो गया हो या फिर बहुत सारी चीज़ें, म्यूजिक एल्बम का काफी ज़्यादा दौर चल चुका है, तो ऐसी कोई चीज़ हम आपको देखने वाले?
हाँ हाँ अभी एक म्यूज़िक वीडियो के शूट के लिए मैं अज़रबैजान जाने वाली हूँ, दिल रोई जाए नाम है सॉन्ग का, और अंकित बातला के साथ है वो, तो बहुत जल्द वो भी आपको देखने को मिलेगा। वेब सीरीज़ अभी मेरी एक आगे गई है एग्ज़िट की, रजनीश दुग्गल जी के साथ, और वेब सीरीज़ की भी बातें चल रही है, बट अभी मैं मोस्टली फिल्म से फोकस कर रही हूँ, दैट टू मोस्टली साउथ एंड बॉलीवुड। खुशी रहने बात की जाए तो मैं आपको हर रोल्स में काम किया, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो सैड हो, हर रोल में हमने आपको देखा, फैंस ने हर रोल्स में आपको पसंद भी किया, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है कहने में, आपका पर्सनल? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कॉमेडी रोल्स करने में, क्योंकि उसमें आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, एंड मुझे मोस्टली कॉमेडी फिल्म्स देखना भी बहुत पसंद है, तो या आई वुड लव टू डू कॉमेडी रोल एनी डे। तो भी इन फ्यूचर हम आपको कोई कॉमेडी प्रोजेक्ट ऐसा कुछ देख सकते हैं? फिलहाल तो अभी मेरे पास कोई कॉमेडी प्रोजेक्ट है नहीं, बट आई होप एंड प्रे कि मुझे बहुत जल्दी कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले जहाँ पे मुझे अपनी कॉमेडी स्किल्स दिखाने का मौका मिले। मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहूँगी कि इस फिल्म को वो ज़रूर जाके देखें, क्योंकि हर इफ़ नॉट फॉर अक्षय एंड इफ़ नॉट फॉर यशराज एंड इफ़ नॉट फॉर फिल्म, तो वो इसको हमारी हिस्ट्री के लिए जाके देखें, क्योंकि हर जनता को, हर किसी इंसान को पता होना चाहिए, इंडिया में रह रहे नागरिक को, कि हमारे जो महान सम्राट आए हैं जिन्होंने इस देश की धरती को प्रोटेक्ट किया एट एनी कॉस्ट, क्या क्या उन्होंने सहा है, वो सब लोगों को पता होना चाहिए, और हमारी हिस्ट्री के बारे में पता रहना चाहिए, और हमारी जो राजा है उनकी वीरता का, शौर्य का बखान सबको पता चलना चाहिए कि उन्होंने कैसे लड़ा हमारे देश के लिए, इस मिट्टी के लिए। तो ये एक बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए, और इस नॉलेज की खातिर एटलीस्ट वो जाके ये फिल्म ज़रूर देखे, क्योंकि इस फिल्म में आपको सब कुछ बहुत रियलिस्टिक और बहुत ही रियल मिलेगा, कुछ भी ऐसे ओवर ड्रामेटाइज्ड या ओवर एग्जैजरेटेड नहीं मिलेगा। नहीं, थैंक्स टू डॉक्टर साहब कि उन्होंने हमारा लुक जो जितना रियल हो सकता था उतना रियल रखा, कोई हमें ओवर, आपने अगर मानुषी का भी लुक देखा होगा या हमारा भी देखा होगा, तो सब कुछ बहुत लाइट अच्छी नेचुरल प्यारी सी ज्वेलरी है, कुछ भी ऐसे 20-20 किलो के ज्वेलरी या 20-25 किलो के लहंगे नहीं है। हाँ, एक सीन में था मानुषी की जिसमें शादी हो रही है उसमें था, बट बाकी हमारी आउटफिट्स बहुत ही लाइट वेट और बहुत ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी सब कुछ बहुत रियलिस्टिक और बहुत लाइट वेट था, तो इससे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। सो या इट वॉज ईजी। Thank you. Hi, this is Aishwarya Raj Bhakuni and you're watching Cine Talkers.